आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत की मुरादाबाद महानगर इकाई के द्वारा अंबेडकर पार्क सिविल लाइन्स में तमिलनाडु में पढ़ रही 17 वर्षीय छात्रा लावण्या को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। तमिलनाडु सरकार द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी सहित 35 कार्यकर्ताओं की निराधार गिरफ्तारी कर झूठे सबूतों के आधार पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन के उपरांत कमिश्नर ऑफिस के बाहर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर कैप्टन मीनू मेहरोत्रा ने बताया कि आज मुरादाबाद महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा तमिलनाडु में पढ़ रही 17 वर्षीय छात्रा लावण्या को न्याय दिलाने के लिए हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं। उस छात्रा पर वहां के हॉस्टल में अनेक मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के द्वारा दबाव बनाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा गया, जिससे शुद्ध होकर उस छात्रा द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया गया है। विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता को जल्द से जल्द बाइज्जत रिहा किया जाए। मैं क्या नाम है आपका? मैं कैप्टन डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा। आज यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत द्वारा यहाँ एक धरने का आयोजन किया गया है। हम सभी लोग लावण्या को न्याय दिलाने के लिए यहाँ आज धरने पर बैठे हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि केरला की वो छात्रा जो कि स्कूल में पढ़ती थी, 17 वर्ष उसकी आयु थी, उसको क्रिश्चियन धर्म परिवर्तित करने के लिए इतना टॉर्चर किया गया, लगातार टॉर्चर किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। और हम इसको आत्महत्या नहीं वरन हत्या मानते हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के यहाँ सैकड़ों की मात्रा में छात्र और छात्राएँ यहाँ पर उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या उद्देश्य है धरने पर बैठने का और क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यह है कि जैसा कि हमारे और उसके अलावा जब हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां पर धरना दिया तो उनको बिल्कुल अनुचित रूप से 35 कार्यकर्ताओं के साथ हमारी राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी को 15 दिन की हिरासत में ले लिया, जो कि बिल्कुल गैरकानूनी है। हम उन सभी को न्याय दिलाने के लिए, उनको हिरासत से मुक्त करने के लिए आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं, आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और वहाँ की सरकार ने बल्कि स्कूल प्रशासन का ही साथ दिया है और वहाँ की सरकार किसी भी प्रकार से उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसीलिए आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मांग करता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? ये मांग करता है कि इस प्रकार की कोई भी घटना पूरे देश में किसी भी छात्र या किसी भी छात्रा के साथ ना हो और लावण्या को न्याय मिलना चाहिए, उसकी हत्या और उसके जो हत्या के दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इस अवसर पर प्रांत सहमंत्री सचिन सिंह, महानगर मंत्री सरल शर्मा, महानगर सहमंत्री आदेश प्रताप सिंह, महानगर तहसील संयोजक गौरव क्षत्रिय, महानगर कोषाध्यक्ष संजय कुमार, छविनाथ अरोड़ा, अभिषेक चौधरी, दीपक दिवाकर, यश यादव, कार्तिक यादव, अनुभव गुप्ता, विपिन शर्मा, दिव्यांशु, रजत दिवाकर, अक्षता नेगी, प्रीति रानी, महक, शिल्पी सैनी आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सचिन सिंह, प्रांत सहमंत्री मेरठ प्रांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तमिलनाडु में जो एक स्कूल, तमिलनाडु के स्कूल में एक छात्रा लावण्या नाम की छात्रा के संग जो उसे प्रताड़ित किया गया, एक धर्म को परिवर्तन करने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया, उससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली, उसी को लेकर प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। और हमारी विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जब वहाँ प्रदर्शन करा तो 35 लोगों की गिरफ्तारी हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की हो गई है। तो इस तमिलनाडु सरकार के खिलाफ विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठे हैं और पुतला फूंकने का कार्यक्रम करेंगे। पूरे भारत में एक साथ प्रोटेस्ट चल रहा है लावण्या, वी वांट जस्टिस लावण्या के लिए।